करीब 7 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां दोस्तों लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों, जिस तरीके से देश में कुछ राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, ऐसे में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन भी किया है और दोस्तों सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय गंवाए दोस्तों शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि संकट में फंसे बैंकों के ग्राहक अब 90 दिन में वापस ले सकेंगे 5 लाख रुपए तक का फंड। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बैंक कस्टमर के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। संकट में फंसे बैंकों के ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस का क्लेम 3 महीने के भीतर मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें इसका फैसला लिया गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बकरीद पर पाबंदियों में ढील का असर, केरल में कोरोना विस्फोट, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मौत, देश में 4 लाख से अधिक सक्रिय मामले। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केरल में कोरोना संक्रमण का विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे के दौरान देश में पाए गए संक्रमण के कुल मामलों में से 50% से अधिक अकेले केरल से हैं। वैसे तो मामलों में अचानक वृद्धि को लेकर कोई ठोस वजह नहीं बताई गई, लेकिन बकरीद के मौके पर पाबंदियों में छूट से संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई गई थी। यहां तक कि राज्य की वामदल सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने भी नाराजगी जताई थी और संक्रमण बढ़ने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मोदी सरकार का बड़ा प्लान, होम इंश्योरेंस स्कीम लाने की तैयारी, 500 रुपए प्रीमियम पर अब मिल सकता है भूकंप और बाढ़ से नुकसान का कवर। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि मोदी सरकार एक ऐसी स्कीम लाने की तैयारी कर रही है जिसमें भूकंप या फिर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में मकान के नुकसान को कवर किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के जरिए करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी सुरक्षा का कवच देने के बाद अब केंद्र सरकार घर से जुड़ी सुरक्षा स्कीम लॉन्च कर सकती है। इसमें मकान के नुकसान के साथ साथ सामान और पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज भी शामिल होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है कोविड गाइडलाइंस। गृह मंत्रालय ने जारी करके कहा कि बरकरार रखें सख्ती। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना की लहर जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ऐसे में अब दूसरी लहर धीरे धीरे कम हो रही है। सेकेंड वेव के आते ही एक समय में 4 लाख केसेस हुआ करते थे, लेकिन अब हालात सुधरते जा रहे हैं। अब कोरोना पॉजिटिव के मामले 30 से 40 हजार के बीच रह गए हैं। मामले कम होने के बाद ही सरकार ने अनलॉक का प्रोसेस शुरू किया था। अब तक देश के कई राज्य लॉकडाउन से फ्री हो गए हैं, हालांकि कई चीजों पर अभी भी पाबंदियां लगी हुई हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने कोविड की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कोविड गाइडलाइंस को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट जारी करते हुए बताया कि वो कंटेनमेंट जोन में सख्ती को बरकरार रखे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूल करेंगे फीस में 15% की कटौती। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में प्राइवेट स्कूल अपनी फीस में 15% की कटौती करेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को इसका फैसला लिया है। महाराष्ट्र कैबिनेट अपनी बैठक के बाद इससे संबंधित एक अध्यादेश लेकर आएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश के 48% अभिभावक बच्चों को कोविड वैक्सीन तक नहीं भेजना चाहते हैं स्कूल। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में 48% अभिभावक अपने बच्चों को तब तक स्कूल नहीं भेजना चाहते जब तक कि उन्हें कोविड-19 वैक्सीन नहीं लग जाती है। आपको बता दें कि देश के 361 जिलों में कराए गए एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दूसरे बैंक के एटीएम से अब कैश निकालना हो जाएगा महंगा, जाने इसके नए नियम। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि यदि आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए किसी दूसरे बैंक के एटीएम का प्रयोग करते हैं तो अगस्त से आपको इसके लिए ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त से भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अपने इंटरचेंज चार्ज में बढ़ोतरी करने की अनुमति दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अगस्त में किसानों के लिए नई सौगात, खाते में आएंगे 2000 रुपए, चेक करें अपनी किस्त का स्टेटस। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अगला महीना यानी कि अगस्त किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। लंबे समय से 9वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के खाते में अगस्त में 2000 रुपए आ जाएंगे। आपको बता दें कि अब
तक किसानों के खाते में इस योजना के तहत 8 किस्तें भेजी जा चुकी हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बाराबंकी हादसे के मद्देनजर नीतीश ने बिहार के मृतकों के परिजनों के लिए किया 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुए हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान भी किया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की खुदरा विक्रेताओं की गुहार, मॉल शॉपिंग सेंटर खोले महाराष्ट्र सरकार, 2 लाख लोग हैं बेरोजगार। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के कारण लंबे समय तक मॉल बंद रखने से लगभग 2 लाख नौकरियां प्रभावित हुई हैं और राज्य सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ काम करने की इजाजत दी जाए। आपको बता दें कि RAI ने एक बयान में कहा कि प्रतिबंधों ने पूरे परिवेश को गंभीर खतरे में डाल दिया है और इससे न केवल व्यवसायों बल्कि वहां काम करने वाले लोगों की आजीविका को भी नुकसान पहुंच रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 65.5% पात्रों को लगी है टीके की दूसरी खुराक, केंद्र ने राज्यसभा में दी है इसकी जानकारी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि कोविड पोर्टल के अनुसार 25 जुलाई 2021 तक करीबन 34.4 करोड़ लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इसी तारीख तक 18 साल से और इससे अधिक आयु के 65.5% पात्र लोगों को कोविड रोधी टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में 24 घंटे में 67 कोरोना के केस, 3 मरीजों की गई जान। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट लगातार कम होता दिखाई दे रहा है। बुधवार की बात करें तो बीते 24 घंटे में 67 नए कोरोना के मामले सामने आए, वहीं 3 ने जान गंवा दी है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 573 केस एक्टिव हैं, मतलब इतने मरीज ठीक होने बाकी हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमेरिका में कोरोना का विस्फोट, एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले, अधिकारियों ने मास्क पहनने की है अपील। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ है। अमेरिका में मंगलवार को कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद देश में फिर से लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। एक दिन में इतने मामले सामने आने के बाद अमेरिका के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। अधिकारियों ने अब वहां सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने के नियमों को लेकर एक नए नियम बना दिए हैं। बीते हफ्ते की तुलना में अमेरिका में इस हफ्ते कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में 73% का इजाफा हुआ है। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले फ्लोरिडा और सबसे कम मामले मिसौरी में दर्ज किए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अमरनाथ में बादल फटा, अचानक बढ़ा सिंधु नदी का जलस्तर, SDRF की 2 टीमें मौके पर तैनात। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि लगातार बारिश से अमरनाथ में बादल फट गया है। बादल फटने से अचानक सिंधु नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बादल फटने के बाद SDRF की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। हालांकि वहां पहले से ही SDRF की 2 टीमें मौजूद हैं। हालांकि हादसे में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने आपके राज्य में क्या है मौसम का ताजा हाल। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में मानसून की वजह से भारी बारिश हो रही है। मानसून का तीसरा कम दबाव वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है। इसके असर से शनिवार तक उत्तर भारत में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। यूपी, बिहार, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के होने की संभावना जताई गई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर।